भाई रिया चक्रवर्ती के बारे में तो हर कोई जानता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती को कैसे भय खड़ा जेल में रखा जा रहा है। रात में उसे दो रोटी, थोड़े से चावल, दाल और सब्जी दी जा रही है। सुबह 5 बजे रिया चक्रवर्ती को उठा दिया जा रहा है। ठंडे पानी से नहा रही है बेचारी रिया और पूरा दिन सो नहीं पा रही रिया। उसे इस बात की टेंशन है आखिर वो जेल से बाहर कैसे निकले। लेकिन जहाँ पर रिया का इतना बुरा हाल हो चुका है, इससे भी ज्यादा कई बुरा हाल रिया के छोटे भाई शोविक चक्रवर्ती का हो चुका है। जी हाँ, रिया के छोटे भाई शोविक चक्रवर्ती जो इस वक्त 24 साल के हैं और वो भी ड्रग्स मामले में पकड़े गए हैं। बता दें कि शोविक चक्रवर्ती की जेल में रात बिल्कुल भी अच्छे से कट नहीं रही। अब चाहे वो रात हो या दिन, शोविक चक्रवर्ती भी परेशान है जिस तरीके से रिया परेशान है। लेकिन जिस तरीके से रिया इस केस को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, अपनी मैच्योरिटी और अपनी चालाकी दिखाकर, शोविक थोड़ा सी इस मामले में छोटा। शोविक जब इनसे पहली बार पूछताछ हुई तो एनसीबी को पता चल गया कि एक पल में सच बता देंगे। और ऐसा हुआ भी, जब एनसीबी ने सख्ती दिखाकर पूछताछ की कई घंटों तक, तब शोविक चक्रवर्ती थक हार गए और उन्होंने खुद ब खुद सच बता दिया। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से रिया शोविक से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और सुशांत को दिन में 4 बार वो ड्रग्स देती भी थी। अब सुशांत उन ड्रग्स को लेता तो था, लेकिन उन ड्रग्स को लेने के साथ साथ क्या वो ये बात जानता था कि उसे ड्रग्स दिया जा रहा है या नहीं, इसका खुलासा नहीं हुआ। इसी के साथ शोविक ने सारी सच्चाई रिया से जुड़ी हुई बता दी। यहाँ तक कि उसने जो चैट लीक हुई थी उसे भी कन्फर्म किया कि ये चैट उसकी और रिया की ही है, जो खुद मुझे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जाती थी और कई बॉलीवुड स्टार से मिलवाती थी जहाँ पर हम लोग ड्रग्स बेचा और खरीदा करते। सारी पोल पट्टी शोविक ने खुद खोल दी रिया चक्रवर्ती की एनसीबी के सामने, जिसके बाद रिया का कच्चा चिट्ठा खुला और रिया गिरफ्तार हो गई। इसी के साथ आपको बता दें कि अब हर पल डर रहा है रात और दिन में शोविक चक्रवर्ती। जेल में उसकी रात कट नहीं रही, वो इस डर में है कि कहीं उसे सजा ना हो जाए, क्योंकि वो महज अभी 24 साल का है और अगर उसे सजा हो गई तो उसका नाम तो खराब होगा, इज्जत तो खराब होगी और साथ ही उसकी जिंदगी भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। जो उसने सपने सजाए थे अपनी जिंदगी को जीने के, अपने सपने पूरे करने के, जो शौक उसने रखे थे, वो सब के सब अधूरे रह जाएंगे। अब वो पूरे कैसे होंगे? अब ऐसे में रात भर शोभिक चक्रवर्ती सोचने पड़ चुका है। भाई और बहन जो दोनों ड्रग्स लेते थे, ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, अब उन्हें जेल में ये सब कुछ बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऐसे में अब दोनों को नींद आए भी तो कैसे आए? दोनों की नींद उड़ चुकी है, दोनों रात भर जेल में जाग रहे हैं। जाग जाग कर इनकी हर एक रात कट रही है। इनको इंतजार है तो 22 सितंबर के दिन का, कि आगे कब वो दिन आएगा और कब उन्हें राहत मिलेगी इस जेल के सलाखों के पीछे से, कब वो अच्छे से अपने घर पर सो पाएंगे एसी के अंदर और कब उन्हें पेट भर कर खाना मिलेगा। जो हाल रिया का है खाने के मामले में, वही हाल शोविक चक्रवर्ती का भी है, जहाँ पर शोभिक को भी दाल रोटी और सब्जी ही मिल रही है। जो होटल्स में जाकर कई कई वैरायटीज के खाना खाना पसंद करते थे, पब में जाना पसंद करते थे, पार्टीज करना पसंद करते थे, उन्हें अब सादा खाना मिल रहा है कैदियों की तरह। एक कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है रिया और शोभिक को। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है शोभिक और रिया का जेल के अंदर। तो ये है पूरी सच्चाई शोभिक की जेल के अंदर, जहाँ पर कैसी हालत हो चुकी है शोभिक की जेल के अंदर, किस तरीके से वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। जैसे कोई पंछी पिंजरे में कैद हो जाता है और वो आजादी के लिए तड़पता है, ठीक वैसे ही शोभिक और रिया जेल के अंदर अब जाने के बाद बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं कि आखिर उन्हें कब मौका मिलेगा, कब जमानत मिलेगी और कब वो जेल से बाहर आएंगे। नेक्स्ट नाइन लाइव, रजनी की रिपोर्ट।